हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब आज तक। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो फ्रेशर्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस के लिए भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या जॉब पोजीशन होगी, क्या जॉब लोकेशन होगा, क्या सैलरी पैकेज होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी और इस जॉब को अप्लाई कैसे करें। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं हर रोज एक नई वीडियो और एक नई वैकेंसी आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आपसे कोई वैकेंसी मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बैंको प्रोडक्ट हायरिंग, जी हाँ दोस्तों, बैंको प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी जो है हायरिंग कर रही है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए। जॉब पोजिशन क्या होगा? मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, ठीक है। पोजिशन जो होगा, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपको हायर किया जाएगा। तो जो बीटेक मैकेनिकल से है वो ये सोच रहे होंगे कि हम मैनेजमेंट में नहीं जाना चाहते, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही जाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, बैंको बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक एमएनसी कंपनी है। अगर एमएनसी कंपनी में कोई भी पोस्ट आपको मिलता है तो आप उसमें बहुत अच्छे से जाएं क्योंकि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको सैलरी पैकेज ही बहुत अच्छा मिलेगा। कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट लिमिटेड, आप गूगल भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होना चाहिए 0, मतलब फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इसको। वन ईयर तक एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। जॉब लोकेशन होगा आपका बड़ौदा गुजरात, ये तो जॉब लोकेशन होगा आपका। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको? कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ इवैल्यूएट ट्रेंड, मतलब कहने का मतलब है ट्रेंड में जो अभी जो मार्केट में चल रहा है उसको आपको एनालाइज करना है, रिसर्च करना है। ब्रांड अवेयरनेस एंड कंपटीशन वेंचर्स, ठीक है, और कंपनी के कंपेयरिंग में जो प्रोडक्ट चल रहा है उसका आपको रिसर्च करना है। कंसीव एंड डेवलप इफिशियंट इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है, और अदर जो कंपनी है उसके मुकाबले में आपको अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। इनिशिएट एंड कंट्रोल सर्व्स एसेस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड डेडिकेशन, ठीक है। रिक्वायरमेंट ये सारा है, गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना चाहिए आपको, प्रोफिशिएंट एमएस आना चाहिए आपको, फैमिलियर विद सोशल मीडिया एंड वेब एनालिटिक्स, ठीक है। सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सारे सोशल मीडिया हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडिया हैं, आपको इनसे फेमिलियर होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन पीपल स्किल, ठीक है, आपको एक्सेलेंट कम्युनिकेशन और किसी भी पर्सन से बात करने का बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। क्रिएटिविटी एंड कमर्शियल अवेयरनेस, ठीक है। ये कंपनी के बारे में कुछ दिया हुआ है, जैसे इस बैंको जो कंपनी है, ये कंपनी का टर्नओवर है 1500 करोड़, ठीक है, 1500 करोड़ इसका टर्नओवर है। इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई ऑन कंपनी साइट, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे वही सारा नोटिफिकेशन डिटेल दिया हुआ है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे दिया हुआ, जो एजुकेशन वहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? बीई बीटेक होना चाहिए आपका, बैचलर इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियल से या मैकेनिकल से होना चाहिए, ठीक है। आप पीजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर जो एमबीए किए हुए हैं, पीजी डीएम इन मार्केटिंग किए हुए हैं वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी के बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसको आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे अप्लाई विथ naukri.com, आप अगर जिसका naukri.com में ऑलरेडी प्रोफाइल है वहाँ पे क्लिक करके naukri.com से भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका पूरा नाम क्या है, आप अपना नाम लिख लेंगे सारे कैपिटल लेटर में, सारा कुछ फिलअप कर लेंगे, आप अपना ईमेल आईडी लिख लेंगे, बहुत सारे YouTube वीडियो में ये बताया जाता है कि आपका जॉब वैकेंसी आया हुआ है लेकिन अप्लाई कैसे करना है ये किसी भी वीडियो में नहीं बताया जाता है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको सारा कुछ बताया जाएगा कैसे अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, आपको जिस लोकेशन में भी ये करना है, आपके पास 0-1-2 ईयर है, ये ईयर नहीं भरना है आपको, 1 से फ्रेशर है अगर तो 101 या 1 ईयर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चूज बोल रहा है, अगर आपके पास रिज्यूम है तो चूज, अगर रिज्यूम नहीं है तो इस पर क्लिक करके आप मैन्युअली ये सारा चीज़ भर सकते हैं।
मैं इस पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये सारा कुछ आप फिलअप कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है सबमिट कर लेंगे। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सेंट, ठीक है। जब इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो आप समझ जाना आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया अपना, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो दोस्तों? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।